हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 3। नाउ कम ऑन पेज नंबर 32। टुडे वी विल डू 3 डिजिट नंबर ऑन द अबेकस। आज हम 3 डिजिट वाले जो नंबर है वो हम अबेकस पे करेंगे। अबेकस होता है लाइक दिस, ये जो होता है इसको अबेकस बोलते हैं। इसमें जो ये ब्लैक कलर की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं स्पाइक्स। और जो आप ये देख रहे हैं येलो कलर और पिंक कलर और ग्रीन कलर में जो मोती जैसे हैं इन्हें हम बोलते हैं बीट्स। सो हम अबेकस में किस तरह से नंबर नेम करते हैं वो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। नाउ रीड द नंबर्स शो ऑन द अबेकस एंड फिल इन द प्लेस होल्डर वन हैज़ डन फॉर यू। या आप ये जो क्वेश्चन है ये आपको बुक में ही करना है। मैंने यहाँ मैंशन भी किया है डू इन बुक। लुक एट हियर, वन एग्जाम्पल इज, यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वंस टेंस हंड्रेड। तो आप देख रहे हैं जो वंस वाली जो स्पाइक है इसके ऊपर ओनली वन ग्रीन कलर की बीट्स है। जो टेन है इस पर 2 बीट्स हैं और जो हंड्रेड है उस पर 3 बीट्स हैं। तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे, जो हंड्रेड में है वो आप 3 इसी के से राइट कर देंगे, टेंस में 2 है इसलिए आप 2 राइट करेंगे और वंस में 1 है इसलिए आप 1 राइट करेंगे। नाउ दिस इज 321। तो आप इस तरह से राइट करेंगे 321। नाउ नेक्स्ट, यहाँ आप देख रहे हैं जो 100 वाली स्पाइक्स है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 बीट्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ 5 राइट किया है। यहाँ 4 है इसलिए हमने यहाँ 4 राइट किया है और यहाँ पे 2 बीट्स हैं इसलिए हमने यहाँ पे 2 राइट किया है। तो आप इसको नंबर नेम में किस तरह से राइट करेंगे, 542। दिस इज 542। नाउ वन मोर एग्जांपल इज, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 100 है उस पर ओनली 2 बीट्स है तो आप यहाँ पे 2 राइट करेंगे। जो टेंस वाला है उस पर 8 बीट्स हैं तो आप यहाँ 8 राइट करेंगे और जो वंस वाली प्लेस है उसके ऊपर 6 बीट्स है तो आपने 6 राइट किया। नाउ 286, तो आप इसे किस तरह से राइट करेंगे, 286। तो समझ आया स्टूडेंट्स आपको। इसी तरह से आपको जो बुक में और एग्जांपल्स जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए हुए हैं या आपको बुक में सेल्फ करने हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 34। ड्रॉ एंड कलर द बीट्स इन ईच अबेकस टू रिप्रेजेंट द नंबर। यहाँ आपको नंबर जो है वो गिवन है, इन गिवन नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको अबेकस में जो बीट्स हैं उन्हें फिल करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ 100 प्लेस पे 7 है, सो आपको 100 प्लेस पे 7 बीट्स इस तरह से ड्रॉ करने हैं। जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है आपको भी इसी तरह से घर पे ड्रॉ करना है इसे। अब आप देख रहे हैं यहाँ 10 0 है तो उसका मतलब इस पे कोई बीट्स नहीं होगी। यहाँ वन वाली प्लेस पे भी 0 है तो इस पे भी हम कोई बीट्स ड्रॉ नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट 610, तो 610 में आप किस तरह से करेंगे, आप देख रहे हैं 100 प्लेस पे 6 बीट्स आपको बनाने हैं तो आपने 100 प्लेस पे 6 बीट्स आपने ड्रॉ किए हैं। 10 प्लेस पे 1 बीट्स और 1 प्लेस पे कुछ नहीं है तो आपने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट 436, इसमें आपको ये करना है कि 100 प्लेस पे आप 100 वाली जो स्पाइक्स है उसके ऊपर आपको 4 ड्रॉ करने हैं, टेंस वाले पे आपको 3 करने हैं और जो वंस वाली प्लेस है उसके ऊपर आपको 6 इस तरह से ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से जो रिमेनिंग आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बुक में ही सेल्फ करने हैं, सो डू एट होम। नाउ कम ऑन पेज नंबर 36। फिल इन द प्लेस होल्डर, यहाँ आपको प्लेस होल्डर में बताना है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमें गिवन है इन 329। थ्री इज़ एट द, यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो 3 है वो कौन सी पोजीशन पे है। तो आप देख रहे हैं जो 3 है वो 100 वाली पोजीशन पे है, सो यहाँ पे क्या राइट हो रहा है, 100 प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे आपको इसकी प्लेस वैल्यू भी बतानी है। तो स्टूडेंट प्लेस वैल्यू होती है क्योंकि ये 100 वाली पोजीशन पे है तो आप इसे राइट करेंगे 300, क्योंकि यहाँ पे आप 3 का बता रहे हो इसलिए आपको 3 राइट करना है और ये 100 वाली पोजीशन पे इसलिए आपको इसे 300 राइट करना है। नेक्स्ट इन 537, 7 इज एट, अब आप देख रहे हैं कि जो 7 है वो वंस वाली पोजीशन पे है तो आप यहाँ पे वंस लिखेंगे। नाउ इसकी प्लेस वैल्यू, तो स्टूडेंट्स 7 जो है वो वंस वाले प्लेस पे ही है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। जो वंस वाले प्लेस पे होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू वो सेम ही होती है। नाउ 916, 9 इज एट द,
यहाँ जो 9 है वो 100 वाली पोजीशन पे है, इसलिए 100, और इसकी प्लेस वैल्यू होगी 900। लुक वन मोर एग्जांपल, इन 973 7 इज एट द, अब 7 आप यहाँ देखिए कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी प्लेस पे है। यहाँ जो 7 है वो 10th प्लेस पे है, सो हमने यहाँ 10th राइट किया है। अगर अब आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है तो आप किस तरह से राइट करेंगे, 7, और क्योंकि ये 10th प्लेस पे है इसलिए आपको इसके आगे 10 राइट करना है, इसका मतलब ये हो गया कि 70। तो इस तरह से स्टूडेंट समझ आया आपको, जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बुक में करने हैं। नाउ कम हियर, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 725 इज, यहाँ पे आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। इस डिजिट में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं जो 5 है वो 1 प्लेस पे है, जो 2 है वो 10 प्लेस पे है, तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 20। तो इस तरह से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको सेल्फ करने हैं, घर पे करने हैं। इन द नंबर 948, यहाँ आपको देखना है इन द नंबर 948, यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, 9 की भी बतानी है, 4 की भी बतानी है और 8 की भी बतानी है। तो आप किस तरह से बताएंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 900 वाले प्लेस पे इसलिए 900, 4 जो है वो 10th वाले प्लेस पे इसलिए 40, और जो 8 1s वाले प्लेस पे है तो ये आ जाएगा 8। इसी तरह से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये आपको सेल्फ करने हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 37, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हम इस तरह से करते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ आपको एक नंबर दे रखा है, आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में मतलब इस नंबर को आपको अलग अलग करके लिखना है, अलग अलग इस तरह से लिखना है। 6 जो है वो 100 प्लेस पे है तो आपको इसे इस तरह से 600 लिखना है। 5 जो है वो 10 वाले प्लेस पे इसलिए आपको 50 एज इट इज़ करना है, और 8 जो है वो 1 प्लेस पे है तो 8 का 8 आपको सेम ऐसे के ऐसे ही राइट करना है। नाउ वन मोर एग्जांपल इज 796, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 700 उसके बाद 90 का 90 देन 6, तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नाउ वन मोर एग्जाम्पल 563, तो आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 5 का 500 क्योंकि ये 100 वाली पोजीशन पे है, 6 जो है वो 10th पोजीशन पे इसलिए 60, और जो 3 है वो 1s वाली पोजीशन पे तो 3 आपको एज इट इज़ राइट करना है। तो ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म की बात हुई। जब वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट फॉर्म्स में उल्टा है, जो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था वो शॉर्ट फॉर्म में आपको इस तरह से करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने इस तरह से इसे एक्सपेंड करके लिखा था, शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, ये जो एक्सपेंड आपको दे रखा है इसे आपको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है, लाइक दिस 273, तो आप इसे इस तरह से राइट करेंगे, 2 का 2 7 एंड 3। इस तरह से आपको ये सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करने हैं। नाउ लुक वन मोर एग्जांपल, 900 0 प्लस 9, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 900 ये आपको पता है 100 वाले प्लेस पे इसलिए 9, यहाँ आप देख रहे हैं 10th प्लेस पे कुछ नहीं है इसलिए 0, और 1s प्लेस पे 9 है इसलिए 909। तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 39, कंपेयर द नंबर एंड पुट द सिंबल ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इन द प्लेस होल्डर। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों साइड्स के नंबर देखने हैं, और जो नंबर ग्रेटर देन हो उस पर ग्रेटर देन का साइन लगाना है, जो लेस देन होगा उस पर लेस देन का साइन लगाना है, और अगर कोई नंबर इक्वल है तो आपको वहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। अब जैसे यहाँ आप फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, दिस इज 86 एंड दिस इज 103, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे 103 जो है वो 86 से बड़ा है, यानी लॉन्ग है, तो आप इसे इस तरह से राइट करेंगे। मतलब ये वाला जो साइड्स है ये जिस तरफ आपका बड़ा नंबर है उस तरफ आपको राइट करना है। नाउ वन मोर एग्जांपल इज 585 885, दिस इज 585 एंड दिस इज 885, तो ऑब्वियसली दिस इज 800 जो 85 है दिस इज बिगर, तो ये इससे बड़ा है, तो इसलिए आपको इस तरह से साइन राइट करना है। नाउ लुक वन मोर एग्जांपल, दिस इज 703 699, तो आप देखेंगे दिस इज 7 एंड दिस इज 6, तो 7 इज ऑलवेज बिग देन 6, 7 जो है वो बड़ा है 6 से, सो आपको साइन अप इस तरह से राइट करना है। जिधर बड़ी डिजिट होती है आपको ये जो साइन है ये वाला जो फेस है उसका उस तरफ ही राइट करना होता है।
तो इस तरह से आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं इनकी आप घर पे प्रैक्टिस करें। दोनों साइड्स में आप देखें कि कौन सा बड़ा है और फिर उसी तरफ वो साइन लगाएं। और अगर कोई डिजिट आपको इक्वल दिख रही है, दोनों तरफ सेम दिख रही है, तो वहाँ पे आपको इक्वल का साइन राइट करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 40, पुट अ रिंग अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। यहाँ आप देख रहे हैं रोज दे रखी हैं, आपको क्या करना है इन नंबरों को एक बार अच्छे से देखना है और फिर ये ध्यान करना है कि इनमें सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, विच नंबर इज स्मॉलेस्ट इन ऑल नंबर्स। आपको ये देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी डन है, यहाँ 349 जो है वो इन सारे नंबर्स में स्मॉल है, तो इस पर सर्कल है ना। सेकेंड रो में अगर हम देखते हैं 706, 670, 607, 660, 760 एंड 577। तो आप देख रहे हो यहाँ 5 जो है वो सबसे छोटा है, क्योंकि आप अगर आप इनकी फर्स्ट डिजिट देखते हैं तो दिस इज 7, 6, 6, 7 और यहाँ 5 है, तो 5 वाले जो डिजिट है वो स्मॉल है होगी, इसलिए आपको 5 पे सर्कल करना है इस तरह से। नाउ नेक्स्ट अगर आप वन मोर एग्जांपल और करते हैं 617, 716, 176, 96, 167, तो आप यहाँ देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 96। तो यहाँ पे 96 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम 96 पे सर्कल करेंगे। नाउ वन मोर एग्जांपल इज 719, 801, 910, 917 एंड 791। यहाँ आपको देखना है कि इन सब नंबर जो भी नंबर्स हैं इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ये 9 और 9 दोनों बिग हैं, यहाँ पे इससे छोटा है 8 और 8 से छोटे जो टू नंबर्स हैं वो है 700। सो यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज 719 एंड दिस इज 791। अब आपको इन दोनों नंबर्स में सेलेक्ट करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सो यहाँ आप देख रहे हैं 719 है वो इन सारे नंबर्स में से सबसे स्मॉल है, सो आपको 719 पर सर्कल करना है लाइक दिस। नाउ ये जो है कुछ तो मैंने इसमें आपको करवा दिए हैं, बाकी जो रेस्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से आपको सारे नंबर्स देखने हैं, ईच रो में आपको देखना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और उस पर आपको सर्कल करना है। नाउ ऑन द पेज नंबर 41 यहाँ आपको सर्कल करना है ग्रेटेस्ट नंबर पे, मतलब यहाँ पे आपको ये देखना है सबसे बड़ा जो नंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है आपको वो चूज़ करना है और फिर उसको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डन है, सेकंड वाला क्वेश्चन है 495, 549, 945, 594, 954। तो आप देखेंगे यहाँ सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 954, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो हैं वो छोटे हैं। अब आप देखेंगे 9 वाले जो 2 हैं ये है 45, दिस इज़ 54, सो ऑब्वियसली 54 इज़ बिगर देन 945, तो आपको 954 पर सर्कल करना है। नाउ वन मोर एग्जांपल इज 123, 321, 231, 412 एंड 402। तो यहाँ आपको चूज़ करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, विच नंबर इज़ ग्रेटेस्ट इन ऑल दीज नंबर्स। तो आप देखेंगे 402 और 412, क्योंकि दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 1, तो ये जो नंबर है ये छोटे हैं इन दोनों से। अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि जो 402 है वो स्मॉल है 412 से, सो 412 इज़ ग्रेटर देन 402, सो आपको 412 पर सर्कल करना है। सो स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस की करवाई है, बाकी जो क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग हैं उसकी प्रैक्टिस आप घर पे सेल्फ कीजिए। नाउ कम ऑन पेज नंबर 42, दिस इज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स जो हैं वो गिवन है, आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से आप राइट करते हो, पहला सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, देन फिर इससे बड़ा, देन फिर इससे बड़ा, देन फिर लास्ट में जो आता है वो होता है सबसे बड़ा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन सारे नंबर्स में से आप इनकी फर्स्ट डिजिट देखेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 6, 1, 3, 8, 4, तो आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 है, तो आप सबसे पहला 1 राइट करेंगे। अब आपको ये देखना है कि 1 से बड़ा क्या है, तो आप देखेंगे कि 1 से बड़ा जो नंबर है वो 2 है,
तो आपको टू वाली डिजिट जो है वो यहाँ राइट करनी है। अब आप देखेंगे टू के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो थ्री है, तो फिर आपको थ्री वाली डिजिट लेनी है। थ्री से बड़ा है फोर, तो फिर आपको फोर वाली डिजिट राइट करनी है। फोर से बड़ा आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर है, सिक्स, क्योंकि फाइव तो यहाँ है नहीं, तो आप देखेंगे सिक्स वाला जो नंबर है फोर से बड़ा है, तो आपको फोर से बड़ा लिखना है यहाँ पे सिक्स। और फिर सिक्स से बड़ी वाली डिजिट है आपकी एट, तो फिर आपको लास्ट में एट वाली डिजिट राइट करनी है। नाउ लुक एट वन मोर एग्जांपल, 385, 712, 456, 721, 654, 465। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे है 3, 7, 4, 7, 6, 4। सो आप देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर आएगा 3 का, क्योंकि सबसे छोटा है 3, तो आपको फर्स्ट नंबर पे 3 वाली डिजिट लिखनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि सेकंड नंबर पे 3 से बड़ा है 4, तो फिर आपको सेकंड नंबर पे 4 वाली डिजिट लिखनी है। और 4 से बड़ा है 3 के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 4 की 2 डिजिट है, तो इन दोनों डिजिट में भी आपको चूज़ करना है कि छोटी कौन सी डिजिट है। सेकंड नंबर पे ये वाली डिजिट आएगी क्योंकि ये डिजिट जो है वो इससे छोटी है, 456 सेकंड नंबर पे, देन 465 थर्ड नंबर पे, और फिर फोर्थ नंबर पे आपको राइट करना है 654, क्योंकि 4 से बड़ी डिजिट है 6। अब 6 से बड़ी डिजिट है 7, तो 7 भी यहाँ पे 2 है, तो 6 से बड़ी पहले आएगी 12, देन फिर उसके बाद आएगा 21, क्योंकि 12 जो है वो 21 से स्मॉल है। तो ये हम इस तरह से राइट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसे हम इस तरह से राइट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 685, 568, 658, 865, 586 and 675। इनमें हम चूज़ करेंगे नंबर, सबसे छोटा नंबर इनमें है 568, फिर 568 के बाद में उसके बाद जो बिग नंबर है वो है 586। ना 586 से जो बड़ा नंबर है दिस इज 658, देन उसके बाद में 685, ना फिर उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर है 685 के बाद में है 865। तो इस तरह से आपको नंबर चूज़ करने हैं और राइट करना है। तो बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके गिवन हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको असेंडिंग ऑर्डर का ऑपोजिट करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप सबसे छोटा लिखते हैं, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ सबसे बड़ा लिखना है। सबसे बड़ा नंबर आपको इसमें चूज़ करना है, जैसे यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 602, तो आपने यहाँ 602 राइट किया। अब 602 से छोटा नंबर कौन सा है, 520, मतलब 520। 520 से छोटा है 501, 501 से छोटा है 497, 497 से छोटा है 479, 479 से छोटा है 398। इस तरह से आपको ये वन एग्जांपल तो गिवन है, सेकंड एग्जांपल हम करेंगे 367, 419, 276, 637, 941 एंड 206। यहाँ आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है 941, सो फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा आपका 941। इस तरह से आपको राइट करना है, 941 सबसे बड़ा है, 941 से छोटा है 637, 631 से छोटा है 419, 419 से छोटा है आपका 367, 367 से स्मॉल है आपका 276 एंड 276 से स्मॉल है 206। नाउ वन मोर एग्जांपल, यहाँ आपको सबसे बिगेस्ट नंबर जो है वो सबसे जो बड़ा नंबर है वो चूज़ करना है। तो सबसे बिगेस्ट नंबर यहाँ 423 है, सो यू राइट है 423। 423 से जो स्मॉल नंबर है वो है 342। नाउ 342 से जो छोटा है वो है 324, 324 से जो छोटा है वो है 269, देन 234, देन लास्ट 196। सो इस तरह से आपका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो यहाँ फिनिश होता है। बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, इनके आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर 3 है वो यहाँ फिनिश होता है। वी विल सेंड यू वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। वर्कशीट में जो क्वेश्चंस आपको गिवन है आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। जो क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट में करवाए हैं आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए। बाय स्टूडेंट्स।